सब ठीक है ना? देखो बेटा, ये संगीता की शादी का न्योता है, दामाद जी को ले जाकर दिखा दो, अगर वहाँ बोलेंगे तो आके छपवाएंगे। ठीक है पापा। आइए आइए। लगता है कोई जरूरी बात हो रही है। हम आपके बारे में बात कर रहे थे। ये संगीता की शादी का न्योता है, अगर आप एक बार देख लें तो आगे हम कार्ड छपवा दें। ठीक है, इसमें गणेश और दिव्या की सगाई के बारे में लिखने को बोल दीजिए। आओ गणेश, संगीता की शादी के लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी, 100 नारियल फोड़ेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी पहचान का एक नारियल वाला है, उसने मुझे सस्ते में देने का वादा किया, मैं इसकी दुकान तक होकर आता हूँ। गणेश को भी साथ ले जाइए। वो किस लिए? उसके पास तो बहुत सारे काम होंगे। ये सब मैं संभाल लेता हूँ, बाकी का काम उसे करने दीजिए। मेरी बात समझ में आई ना? हाँ। शादी के बारे में पता चलते ही कोंडू के पर तो जमीन पर ही नहीं है, कैसे होगा बताओ। माँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। दिव्या से शादी करने के लिए मैंने आपको कब मंजूरी दी? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे सब डिसीजन आप लोग ही लेंगे क्या? कोंडू, जब तुम्हारी जीजा जी ने अंगूठे के लिए तुम्हारा माप लिया था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? जीजा जी ने मुझे बोलने कहाँ दिया? गणेश, ये क्या है? हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए निर्णय लिया है और अब तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करना चाहते? आप लोगों ने तय किया है तो आप लोग ही कर लो ना। मैंने अपने मुँह से हाँ बोला है क्या? इस बात का सबूत है आपके पास? हे भगवान, ये क्या कह रहा है माँ? ये ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम रुको लक्ष्मी, ये कुछ भी बके जा रहा है। इसकी बातें सुनकर तुम रो रही हो? कामाक्षी, जल्दीबाजी मत करो, बात करने दो उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हाँ सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और बच्चों को ऊपर ठोप देते हैं। श्रुति संगीता की तरह दिव्या भी मेरी एक बहन जैसी है, उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझसे ये पाप मत करवाओ। कोंडू, मैं और मेरे पति तुम्हें मन ही मन अपने दामाद मान चुके हैं हम। किससे पूछकर मान लिया? ये सब क्या है? मेरी बात सुनो गणेश, वो तुम्हारे लिए बहन जैसी है, पर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। माँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं एक लड़की को चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? किसी और लड़की को चाहते हो मतलब? सच बोल रहे हो गणेश? बोल दिया ना उसने, झूठ थोड़ी बोलेगा वो। अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? मुझे लग रहा है कोई शुभ समाचार है। मेरी बात सुन कोंडू, कौन है वो? हमारी जात की है या किसी और धर्म की है? हे भोलेनाथ। अब भोलेनाथ का नाम लेने से क्या फायदा? जो भी है उसी से शादी करवा दो। नहीं, मैं शादी के लिए कभी नहीं मानूंगी। मामा, आप थोड़ी देर चुप रहिए। माँ, आपको कोई अपमान सहना नहीं पड़ेगा। कुल और गोत्र पता करने के बाद मैंने उससे प्यार किया है। वो लड़की कोई और नहीं है माँ, जो उस दिन संगीता की सगाई में आई थी, कीर्तना, वही। हे ईश्वरा, इस घर में सब कुछ अच्छा होगा यही सोचा था, आखिर में मेरे सपने चूर चूर हो गए। ये खबर सुनते ही दामाद जी तांडव करने लगेंगे। लक्ष्मी को इस प्रलय से कैसे बचाऊं मैं? मुझे कुछ करना होगा अभी। और क्या, शिव जी तो कभी कभी तांडव करते थे, जीजा जी का तांडव तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। साले साहब, पापा, आपको पता है ना कि मेरी वजह से इस परिवार में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। कीर्तना का परिवार बहुत अच्छा है, हमारे परिवार की तुलना में उनका परिवार बराबर का है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले संगीता की शादी होने दीजिए। मैं ये बात छेड़ता नहीं पापा, पर जीजा जी और दीदी की बातों ने मुझे मजबूर कर दिया पापा। उन्होंने शादी के न्योते पर सगाई के लिखने की बात कही तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ा। पापा, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा ना। क्या हुआ पापा?
अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? गणेश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। तू जो करता है, तू जो सोचता है, ये सब मैं जानता हूँ बेटा। पर मेरे जानने से क्या होगा बेटा? हमारे घर में क्या चल रहा है वो देखो। ऐसा लग रहा है कि कई राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर बैठे हैं। सबकी अपनी राय है। बस इतना है कि बाहर की दुनिया को हम अपनी दायरे में नहीं देखते हैं। पर बेटा, एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी प्रेम कहानी में कोई भी नोकझोंक नहीं हो सकती है। पर मेरी सहमति से क्या होगा? बाकी लोगों की भी तो सहमति होनी चाहिए। हाँ? क्या करे बेटा, जिस घर में लड़कियों की गिनती ज्यादा हो उस घर में हर आदमी को लड़ना ही पड़ता है बेटा। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच तुम्हें अपनी आवाज को बुलंद खुद ही करना पड़ेगा बेटा। समझ गए हो ना तुम? हाँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। गणेश सिंघम, किस लिए मामा जी? खूबसूरत लड़की से प्यार करने के लिए। ए, तुम देखते रहना, सबके सामने तुम्हारे जीजा जी के नाक कटने वाली है। उसके अहंकार को जड़ से उखाड़ना है। मामा, तुम्हारी माँ कामाक्षी लक्ष्मी नाम के हथियार अपने हाथ में थाम लेगी। तुम कभी विचलित मत होना। माँ का प्यार, बहन का प्यार हर दिशा में तुम्हें घेर लेगा। पर तुम डरना मत, झुकना मत, हमेशा डटे रहना। कोंडू, कितने दिन तुम अपनी बहनों को संभालते रहोगे? अपनी जिंदगी कब जियोगे? हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। तुम भी अपनी जिंदगी जियो, किसी के भरोसे मत रहो। समझ गए ना तुम? यू अंडरस्टैंड? मामा जी, एक छोटी सी बात है। कीर्तना से शादी करके खुश रहना चाहता हूँ मैं, और ये होके ही रहेगा। लेकिन इस वजह से मैं अपनी बहनों का हाथ नहीं छोड़ सकता। जिंदगी भर अपनी बहनों का मुझे साथ चाहिए। मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें खोना नहीं चाहता मामा जी। समझ गए ना? इस गणेश को मैंने सोच समझ के अच्छी सलाह दी, लेकिन ये तो मुझ पे ही चढ़ गया। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। नेवर। जीजा जी, आपके निकलने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ गणेश, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ जी, घर में सब कुछ ठीक है। जीजा जी, आपसे एक पर्सनल बात करनी है मुझे। तुम लोग बातें करो, मैं बस अभी आई। माँ जी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई बात छुपी है क्या? बैठिए। बैठो ना। ऑफिस जा रहे थे आप, आपको देर तो नहीं होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी दीदी की बेटी दिव्या है ना, उससे मेरी शादी करवाने के लिए जीजा जी ने ठान ली है। अरे बाप रे, वो तो बहुत छोटी बच्ची है। अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, फिर शादी? संगीता की शादी के दिन ही हम दोनों की सगाई करने की सोच रहे हैं वो। माँ और पापा क्या कह रहे हैं? बड़े जीजा से बात करने में वो कतरा रहे हैं। 4-5 साल बाद देखेंगे, तुम ऐसा बोल दो। क्या हुआ गणेश, तुम किसी और को पसंद करते हो? हाँ जीजा जी। मुझे लगा, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गया। कब से शुरू हुई ये कहानी? 4-5 महीने से। गणेश, लड़की हमारी जात की है। हाँ माँ जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे बदनामी हो। नाम कीर्तना है, बैंक में जॉब करती है। ठीक है, तुमने मम्मी पापा को बोल दिया? बोल दिया, पर जीजा जी क्या करेंगे पता नहीं। कुछ नहीं करेंगे वो। तुम उस लड़की को लेकर भागे नहीं, ना ही उसे झूठा दिलासा दिया। अगर कीर्तना के माँ बाप मान गए तो बात को आगे बढ़ा देते हैं। ये सब तो ठीक है किशोर, लक्ष्मी घर की बड़ी बेटी है। अगर उसका पति घर छोड़ के चला गया तो सही नहीं रहेगा, है ना बेटा? तो क्या करे, जिस लड़की को ये पसंद नहीं करता उसके साथ शादी करवा दे तो ये खुश रहेगा? गणेश,
बड़े जीजा का आदर करो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनके इशारों पर हमेशा नाचते रहो। तुम्हारे खुद के सपने और अरमान होंगे, वो गलत बात नहीं है। देखो गणेश, इस मैटर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुर्गा से इस बारे में तुमने बात की क्या? नहीं। वो मेरी नहीं सुनेगी, पर तुम्हारी बात मानेगी। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ जी, आप क्या कह रही थी? लड़की अच्छी होनी चाहिए, अपने पति और उसके परिवार का बस ख्याल रखे, सिर्फ अपने बारे में सोच के दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए बस। माँ। अरे रे रे, नहीं, दुर्गा के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस आने वाली बहू के बारे में बता रही हूँ। गणेश, कल रविवार है, मैं घर आ जाऊंगा, मूर्ति को भी बुला ले। अच्छा, मूर्ति से बात हुई क्या तुम्हारी? आज बात करूंगा। जरूर करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारा रिलेशन तो तुमसे ही है ना, तुम्हारे सपनों को साकार करने में हम पूरी मदद करेंगे। थैंक यू जीजा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, चलता हूँ। फैमिली में कितने लोग हैं उसके? माँ बाप और एक बहन है। उसे अपने परिवार के बारे में बताया ना? हाँ, वो सब जानती है। उसे घर की सारी बात मत बता देना। गणेश कितना खुश दिख रहा है ना? अच्छा है, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। नमस्ते माँ जी, चलता हूँ। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है बेटा।